देखिए आपको नया चैप्टर स्टार्ट किए थे नवीन राज्यों का उदय, ये ना स्टार्ट किए थे नवीन राज्यों का उदय। और देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नवीन राज्यों का उदय। इतिहास की बात कीजिएगा, इतिहास में आपको नवीन राज्यों के लिए इसके पीछे कारण आपको इतिहास पढ़ाए हुए थे कि नवीन राज्यों का उदय हुआ कैसे, कल बताए थे ना, बताए थे नवीन राज्यों की यानी हमारे भारत में जो है 1526 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक मुगल राजा ने क्या किया, शासन किया। और 1707 ईस्वी में एक राजा थे मुगल राजा, उस राजा का नाम था औरंगजेब। सुनिएगा चीजों को थोड़ा गौर से, औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। और औरंगजेब जो राजा था ये शक्तिशाली राजा था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि सारा का सारा मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगा, यानी मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। मुगल साम्राज्य का अगर आपसे पूछ ले कि पतन कब से प्रारंभ हुआ तो 1707 से औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो मुगल साम्राज्य के राजाओं के जितने भी सामंत थे या सूबेदार थे या जितने भी उसके व्यक्ति थे विश्वासी व्यक्ति, सब विश्वासी व्यक्ति ने क्या किया, साम्राज्य को खाने लगा, हड़पने लगा, जहाँ से लूटने का था लूट लेता था। और उसका जो सूबेदार था, जो उसका एक खुद का व्यक्ति था, वो अपने आप को क्या करने लगा, स्वतंत्र करने लगा। और स्वतंत्र कर करके बोला हम एक नया राज अपना स्थापित करते हैं, मान लेते हैं कि पूरा का पूरा इतना बड़ा साम्राज्य है मुगल साम्राज्य। और इतना बड़ा जब मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य के केंद्र में राजा है औरंगजेब, समझिएगा चीजों को। तो ये जो वाला औरंगजेब ये वाला जो क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र मान लीजिए, इतना क्षेत्रों में बटा हुआ है आपका मुगल साम्राज्य। तो मुगल राजा क्या करते थे, इधर का प्रशासन चलाने के लिए इधर सूबेदार नियुक्त किया करते थे, क्या करते थे सूबेदार नियुक्त किया करते थे। और इस सूबेदार का काम होता था इस वाले क्षेत्र का शासन प्रशासन का कार्य देखना। तो जब तक इधर के राजा यानी केंद्र के राजा मजबूत रहे, तब तक तो इसके अंडर सूबेदार रह के क्या करता था, काम करता था। क्या हुआ 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सब राजा जो आए इस जगह पे, अयोध्या राजा आए पूरे के पूरे साम्राज्य, मतलब केंद्र में क्या आया, अयोध्या राजा आया। और जब केंद्र में अयोध्या राजा आया तो सूबेदार बोला भैया हम अब आपके अंदर नहीं रहेंगे, हम अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। और इसी में एक वर्ड आपको मिलेगा सामंत, कहा जाता है मुगल काल में तो सामंत कहा जाता था, जैसे बॉर्डर एरिया का कोई प्रशासक है, सीमा वाले प्रशासक को क्या बोला जाता था, सामंत बोला जाता था। सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, सूबेदार ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य इतना बड़ा था, वो मुगल साम्राज्य सिमट के रह गया, कितना बड़ा, एकदम छोटा सा क्षेत्र रह गया। धीरे धीरे सिमटते सिमटते आप देखे थे लाल किला तक चले आया था दिल्ली भरवश, जो मुगल साम्राज्य पूरे भारत में था दिल्ली में सिमट के आ गया। तो यही जो नवीन राज्यों का उदय हुआ, इसी में बोले थे सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद कर्नाटक, और तीसरा आपका नवीन राज्य कौन सा, बंगाल। चीजों को समझिएगा, बंगाल जो अभी आप देखते हैं अपना बिहार राज्य, अभी जो आप देखते हैं बिहार राज्य, बिहार राज्य के बाद आप देखते होंगे उड़ीसा राज्य, बिहार राज्य देखते हैं, बिहार के बाद उड़ीसा नहीं देखते, उड़ीसा राज्य जो आप देख रहे हैं, बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश और झारखंड। चीजों को समझिएगा, देखिए चीजों को थोड़ा सा समझिएगा, ये वाला जो पूरा का बिहार झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, अंग्रेजों के समय में मतलब इस समय में जिस समय का हम आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं, उस समय में बंगाल वाला जो क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा कितना बड़ा क्षेत्र बंगाल कहलाता था, बंगाल प्रांत कहलाता था, इसी को अंग्रेज बोला करता था बंगाल प्रेसिडेंसी, इसी को बोलता था कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इसी को बोला जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीन प्रेसिडेंसी था अंग्रेजों का। और अंग्रेज आए थे हमारे भारत में 1600 ईस्वी में, तो इसी बंगाल प्रांत आपको बोले थे कल हैदराबाद ने अपने आप को स्वतंत्र किया था, किसने, चिंगरीज खान ने, कर्नाटक में किसने किया था, सादतउल्लाह खान ने, जिन्हें क्लास में बताएंगे सादतउल्लाह खान ने कर्नाटक वाले क्षेत्र में और इस हैदराबाद वाले क्षेत्र में अपने आप को स्वतंत्र किया था, किसने, चिंगरीज खान, इसी का दूसरा नाम था निजामुल मुल्क। आज जो आपका बंगाल में स्वतंत्र किया और बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया, किसने, मुर्शिद कुली खान ने, किसने किया, मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान ने।
अपने आप को बंगाल ने क्या किया, स्वतंत्र किया, और बंगाल ने स्वतंत्र करके अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। बोला भैया मुगल राजा जो आप हैं, हम मुगल राजा बैठा करते थे कहा इस दिल्ली में, बोला हम आपके अंदर नहीं है, हम अपना खुद का क्या है स्वतंत्र है। मुर्शिदपुरी का अपना आपको पूरा का पूरा स्वतंत्र नहीं किया, उसने क्या किया, बोला कि सर जो है मुगल राजा को हम आपको हर साल क्या भेजा करेंगे, नजराना भेजा करेंगे, पैसा भेजा करेंगे, हम पूर्णता आपसे स्वतंत्र नहीं है। वह प्रत्यक्ष रूप से कर पढ़ाए थे अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को क्या किया स्वतंत्र किया। तो सबसे अब चीजों को बंगाल इसी क्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे कि बंगाल स्वतंत्र जो राज बना, यहाँ कौन कौन नवाब बना, तो बंगाल राज्य की स्वतंत्र स्थापना किसने की, मुर्शिदपुरी खां ने की। यही स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिदपुरी खां ने किया है, वही अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे जब पढ़िएगा आगे पढ़ते हैं बंगाल का। चलिए यही आपका चैप्टर है बंगाल, स्वतंत्र बंगाल राज की नींव डालने का श्रेय मुर्शिदपुरी खां को दिया जाता है 1700 ईस्वी में। बात है 1707 का, पहले का कहता है कि 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिदपुरी खां को बंगाल का क्या बनाया गया, दीवान क्या होता था सुनिएगा, दीवान क्या करता था, टैक्स वसूला करता था, कर वसूला करता था। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में सबसे पहली बार मुर्शिदपुरी खां को बंगाल का क्या बनाया, दीवान बनाया। बोला भैया जो तुम वहां क्या करना, टैक्स वसूलना और टैक्स वसूल के तुम मेरे पास भेजना। लेकिन क्या हुआ सुनिएगा, उस समय में बंगाल के जो सूबेदार थे, अभी स्वतंत्र किया नहीं है कहानी सुनिएगा, उस समय बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे कौन, अजीब उस्ताद, अजीब उस्ताद ये भी कह रहता था हाँ दिल्ली में ही बंगाल आता नहीं था, जहाँ आपका शासन होगा वहाँ आइएगा ना, अजीब उस्ताद अपना बंगाल आता नहीं था। तो धीरे धीरे मुर्शिदपुरी खां ने क्या किया, सारा का सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया। धीरे धीरे इसको दीवानी ज्यादा मिलते गया, क्या हुआ सुनिएगा, कह रहा है वही इस समय बंगाल का सूबेदार अजीब उस्ताद था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्राय दिल्ली में रहता था। वही आगे कहता आपका बंगाल की वास्तविक शक्ति किसके पास थी, मुर्शिदपुरी खां के पास थी। क्या हुआ सुनिएगा, पूरा का पूरा वास्तविक शक्ति मुर्शिदपुरी खां ने अपने पास रखा था। सीधा समझिएगा क्या हुआ सुनिएगा चीजों को, जैसे मान लीजिए कि कोई कोचिंग संस्थान है, समझिएगा थोड़ा सा कोचिंग का उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि क्या हो सर जैसे डायरेक्टर है, हमको क्या के पढ़ाने भेज दे, सर यहाँ से चले जाए दिल्ली घूमने, मतलब बोले समझ गए, तो सारा का सारा कोचिंग का सारा कंट्रोल कौन करेगा, कौन करेंगे ना, सारा शक्ति किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा। तो सेम वही बात है, बंगाल का जो सूबेदार था अजीब उस्ताद था, बंगाल का सूबेदार कौन था, अजीब उस्ताद, लेकिन अजीब उस्ताद बंगाल में रहता ही नहीं था, बंगाल में रहता था ये टाइम कौन कौन, उसका दीवान, बंगाल का दीवान कौन, दीवान कौन था मुर्शिदपुरी खां, और मुर्शिदपुरी खां की मृत्यु किसने किया था, औरंगजेब ने ही 1700 ईस्वी में। तो धीरे धीरे मुर्शिदपुरी खां बताते हैं कि सब कोई कहते हैं सर दिल्ली में तो पहचानेगा किसको, हमको ना कौन रखेगा, हम ना धीरे धीरे मेरा शक्ति बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार से मुर्शिदपुरी खां का क्या हुआ, बंगाल वाले क्षेत्र में शक्ति बढ़ते गया, पूरा का पूरा अपने आप को शक्तिशाली बना लिया, और शक्तिशाली बना के सुनिएगा मुगल सम्राट ने मुर्शिदपुरी खां को 1717 ईस्वी में बंगाल का क्या बनाया सूबेदार बन गया, जिसमें आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर क्या किया अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। देखा कि थर्मोस्फीयर कमजोर हो गया, क्या बता रहे थे जी, बता रहे थे मुर्शिदपुरी खां ने क्या किया थर्मोस्फीयर के समय में, चीजों को समझिएगा, जब अजीब उस्ताद दिल्ली में रहने लगा तो थर्मोस्फीयर बोला जब तुम यही रहता है तो तुम वहां का सूबेदार क्या करेगा, उससे सूबेदार छीन के सूबेदार किसको नियुक्त कर लिया मुर्शिदपुरी खां को, और मुर्शिदपुरी खां ने थोड़े ही दिनों में क्या किया, जब देखा कि फर्रुखसियर क्या है कमजोर शासक है, तो फर्रुखसियर के समय में ही इन्होंने क्या किया अपने आप को मुगल सत्ता से स्वतंत्र करके एक नए राज्य की स्थापना की, जिसका नाम क्या रखा बंगाल। और बंगाल की इन्होंने क्या की, जैसे ही राजधानी, जैसे ही राजा बना दबा बना अपने आप को स्वतंत्र किया, इसने अपना राजधानी परिवर्तित कर लिया, जो बंगाल की पहले राजधानी हुआ करती थी ढाका, उसने अपना राजधानी कहां लेके चलाया मुर्शिदाबाद, कमजोर स्थिति का
फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। मुर्शिदपुर ने बंगाल की राजधानी खाता के स्थान पर क्या बनाया, मुर्शिदाबाद बनाया। मुर्शिदपुरी खान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य की सबसे पहले वित्तीय स्थिति में सुधार करवाया। वित्तीय स्थिति मानी पैसा रहेगा तब आप अच्छे से शासन प्रशासन चला सकते हैं। इन्होंने क्या किया, मुर्शिदपुरी खान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए वित्तीय व्यवस्था को नए सिरे से प्रबंध किया, यानी अच्छा व्यवस्था बनाया। उसने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि में बादशाह के रूप में खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। क्या है सुनिएगा, जितना भी जागीर वाला भूमि था सब भूमि को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। मतलब जितना भी फालतू भूमि था सब भूमि को बोला सारा का सारा जमीन इसके अंतर्गत आ गया, राजा के अंतर्गत आ गया। और अब राजा उस पर खेती करवाएगा और राजा खेती करवा के उससे जो टैक्स आएगा, रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा, उससे हम इसका विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे। जैसे एक बार लालू यादव किए थे ना, उसको बोला कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे कहा कि रेलवे बहुत मुनाफा कमा रही है, इससे पहले रेलवे में घाटा ही होता था। लालू यादव क्या किए, जितना रेल का पटरी अगल बगल में बचा हुआ था नहीं बेकार था लोहा, वो सब रुकवाया और रुका के क्या किया, भिजवा दिया। और भिजवा के क्या किया, ऐसे तो प्रॉफिट था ही, समझ गए, और प्रॉफिट दिखाया किसने, राहुल इसमें लालू यादव ने। लालू यादव ने क्या किया, प्रॉफिट दिखाने के लिए जो बेस्ट चीजें थी उसको क्या किया, इस्तेमाल किया ताकि और रेलवे को सुधारा जा सके। तो वही बात इसने किया, इन्होंने क्या किया सुनिएगा, एक भू राजस्व एक भू बंदोबस्त, यानी भू राजस्व मतलब क्या निकाल सकते हैं, भूमि से जो पैसा आता है उसी को बोलते हैं भू राजस्व। तो भू राजस्व बंदोबस्त क्या, इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम भूमि को खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में परिवर्तित कर दिया। वैसा भूमि जिसपे नियंत्रण किसका हो, राजा का हो, सरकार का हो, उसको बोलते हैं खालसा भूमि। वही चीज लिखा है साफ साफ शब्दों में, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को कौन सा भूमि बोलते हैं, खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। तथा ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली इजारेदारी व्यवस्था को क्या किया, लागू किया। जैसे मान लीजिए 500 बीघा जमीन इधर है गंगा नदी के किनारे और हम राजा हैं तो हम नहीं जाएंगे खेती करने के लिए, हम किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे उधर का जो मजबूत आदमी है, बोलेंगे भैया 500 बीघा जमीन है तुम खेती करो और हमको क्या करना 10 लाख टका हर साल पहुंचा देना, हम टिक्का पे दे दिए ना। गाँव में देखिएगा भूमि टिक्का पे देता है, देखे होंगे कभी टिक्का देता है, बटैया देता है, देता है, सुने हैं, वही तो है ठेकेदारी प्रथा। जमीन को किस पे दे दिया, टिक्का पे दे दिया। और टिक्का पे देके क्या किया, नया व्यवस्था लाया कि राजा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सके। इससे हम अभी भी कर रही है कौन, नरेंद्र मोदी। जैसे देखिए रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, प्राइवेट पे दे दिया टिक्का, हम पहले दे दो पैसा हमको 100 करोड़, अगर पुलिस स्टेशन ले लो 5 साल में जब तक कमाना तुम कमाना, विकास करना, अब खराब सर्विस लोगे तो आदमी टिकट नहीं कटाएगा, सीधा का सीधा बात है, आदमी टिकट कटाएगा, तुमको मुनाफा होगा 5,000 करोड़ हमको दे दो पहले, हम क्या करेंगे अपना विकास करते रहेंगे पहले। उससे हम उसी प्रकार का बात है, इसमें बादशाह ने क्या किया, एक नया भू राजस्व वसूली के लिए नया प्रणाली लाया, इसको क्या बोलते हैं इजारेदारी व्यवस्था। और इजारेदारी व्यवस्था मतलब करने का सेंस है लगाया इसमें मुर्शिदपुरी खान ने, और मुर्शिदपुरी खान ने ठेकेदारी व्यवस्था लाया और ठेकेदारी व्यवस्था के तहत इन्होंने क्या किया, जमीनों को ठेका पे देने लगा। वो व्यवस्था आज तक भी चलता है। इन्होंने कहा कि हमारे देश में अगर किसान ज्यादा फसल उपजाएंगे तब हमको ज्यादा फसल से आय मिलेगा। हम कहते हैं अगर आप टैक्स देते हैं, आप भारत सरकार को 30% टैक्स देते हैं, भारत सरकार को कितना प्रतिशत, 30% आप टैक्स देते हैं। अगर 30% टैक्स देते हैं, अगर आपका इनकम 100% है आप 30% किसको दीजिएगा, सरकार को। और अगर आपका इनकम 10,000 करोड़ है तो आप 3,000 करोड़ सरकार को दीजिएगा। अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो सरकार का भी इनकम क्या होगा, बढ़ रहा है। इस पे ध्यान दिया किसने, मुर्शिदपुरी खान ने बोला भैया अगर जनता का इनकम बढ़ेगा ना तो हमारा भी इनकम बढ़ेगा। काहे हम टैक्स लेते हैं किसमें, परसेंटेज में, हम फिक्स अमाउंट पे काम करते नहीं है, मतलब हम मांग रहे हैं शेयर। वही इन्होंने क्या किया, मुर्शिदपुरी खान ने गरीब किसानों को कृषि विकास के लिए एगो ऋण दिया, ऋण दिया मतलब कर्जा दिया, इसको क्या बोलते हैं तकाबीली। उस समय में क्या होता था, लोगों को खेती करने के लिए अपना पूंजी नहीं होता था। अभी भी आपके गांव में बहुत सारे ऐसे किसान होंगे जिसको पूंजी नहीं है खेती करने का, जब खेती करेगा तो पहले कर्जा ले लेगा, खेती करके फिर क्या करेगा, वो कर्जा को तोड़ेगा। इन्होंने कहा कि राजा देगा ऋण तुमको ताकि तुम जाओ पैसा दिए हम तुमको, तुम जाके अच्छे से खेती करो, खेती का प्रयास हमको बढ़ो। बात को समझे,
जनता को पहले अमीर बनाए और उसके बाद जिसका जनता अमीर उसका सरकार भी अमीर। सिंपल है, 1000 करोड़ कमा रहे हैं, अगर आप ही 10 लाख रुपया कमाइएगा साल का तो 30% टैक्स दीजिएगा, आप कमा रहे हैं 5 लाख। और ये नियम है कि 7 लाख से ज़्यादा जो कमाएगा वही टैक्स भरेगा। अब 7 लाख से आपका ज़्यादा मैक्सिमम जनता पैसा कमा ही नहीं रहा, तो सरकार अगर सबको 7 लाख से ज़्यादा कमाने का व्यवस्था दे दे तो आपसे पैसा कैसी लेगी सरकार, समझ गए? मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर जनता अमीर तो सरकार भी क्या होती है, अमीर होती है। इसी वजह से अमेरिका का जनता अमीर है तो सरकार भी क्या है, अमीर है। तो वही काम किया किसने, इस मुर्शिद कुली खाने क्या किया, गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने के लिए, ये फिक्स था, भू राजस्व में सक्षम। ज्यादा पैसा आपको 7 लाख से ज्यादा पैसा कमाइएगा तभी ना आप टैक्स दीजिएगा, 7 लाख से कम में हो रहा पैसा आप टैक्स दीजिएगा, आप इसका मतलब भू राजस्व यानी टैक्स देने में सक्षम अभी नहीं है। आपको सक्षम बनाने के लिए वो टैक्स ऋण देता था जिसको क्या बोलते थे, यानी कर्जे लेके आप खेती अच्छा से कीजिए हमको 2 साल बाद लौटाइएगा कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से उसको ऋण को क्या बोलते हैं तकाबीरी, समझे चीजों को। तो मुंशी पुलिस वाले अपने व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जागीरदारी पड़ता, इजादेदारी पड़ता यानी जमींदारी पड़ता में व्यवस्था किया, वो राजस्व व्यवस्था को अपनाया, समझ गया, ताकि आम जनता क्या हो, सुखी सफल हो, पैसा हो, उसके पास पैसा होगा मेरे पास भी होगा, जिससे हम क्या करेंगे विकास करेंगे, सुनिएगा। और करके इन्होंने विकास किया और काम चलते रहा आगे, और 1727 में इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। 1727 ईस्वी में मुर्शिदपुरी खान मात्र 1717 ईस्वी से लेकर 1727 ईस्वी तक बंगाल का क्या रहा, ये नवाब रहा, बंगाल का क्या रहा नवाब। ऐसे ही बंगाल का दीवान कब बना था, 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान कब बना था, दीवान वो होता है जिसका इनकम टैक्स ऑफिसर वो हो गया दीवान, अभी जो समझते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर जो टैक्स वसूलता है उसको उस समय बोला जाता था क्या दीवान, उस समय सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर था आपके भागलपुर जिला का, अब वो बन गया पूरे बिहार का, समझ लीजिए पूरा का पूरा क्या मुख्यमंत्री एकदम सरकार, बंगाल का पूरा सरकार कौन, मुर्शिदपुरी खान, सीधा पोस्टिंग हाई लेवल पे। तो वही हुआ किसके, कौन, मुर्शिदपुरी खान। मुर्शिदपुरी खान 1727 ईस्वी में मुर्शिदपुरी खान क्या हो गई, मृत्यु होगी, और उसके पश्चात इसका दामाद सुजाउद्दीन बना, और सुजाउद्दीन ने कोई वैसा काम नहीं किया जिसको समाज ने, जिसको इतिहास क्या करे याद रखे, 1727 से 1739 तक की नवाब रहा बंगाल में, जैसा व्यवस्था था वैसे व्यवस्था को चलाते रहा, जहाँ था अपना साम्राज्य खोया ही बढ़ाया लेकिन नहीं, इसके बाद बंगाल का नवाब बना सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खान बना 1739 में बंगाल का नवाब। और 1739 ईस्वी में सुनिएगा सुजाउद्दीन ने क्या किया, अपने कार्यकाल में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था अली वर्दी खान, एक व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था अली वर्दी खान। इस अली वर्दी खान को बिहार का अपना बिहार वाला जो क्षेत्र है बिहार वाले क्षेत्र का दीवान बनाया था, किसने, इस सुजाउद्दीन ने लिखा गया इसमें, समझ गया, आपने को देगा सुनेगा कहानी थोड़ा लिख करेंगे इसे। इस अलीवर्दी खान को इस सुजाउद्दीन ने क्या किया, दीवान नियुक्त किया था अपने बिहार का, तो दीवान बिहार का राज सरफराज खान के समय में भी यही, और सुनिएगा क्या हुआ 1740 में यही बिहार का अलीवर्दी खान नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को क्या किया, मार दिया युद्ध में। बोला भैया सुनिएगा इसका पापा नियुक्त किया था किसको, दीवान, चीजों को समझिएगा क्या हुआ, मुर्शिदपुरी खान बना सुजाउद्दीन बना, सुजाउद्दीन ने अपना कार्य को अच्छे चलाने के लिए बिहार का यानी बिहार वाले क्षेत्र बंगाल होता है ना पूरा क्षेत्र था उसमें बिहार भी झारखंड भी सब था, तो बिहार का सूबेदार यानी बिहार का दीवान बनाया किसको, इस अलीवर्दी खान को। जैसे सुजाउद्दीन बना, सुजाउद्दीन के मरने के बाद उसका बेटा बना कौन, सरफराज खान, इसके मरने के बाद एक साल में ही उसका जो बेटा बना बोला बेटा को आप युद्ध का आप घोषणा कर लिया किसने, इस अलीवर्दी खान ने बोला सरफराज हम तुम्हारे अंदर रहेंगे अब नहीं, हम तुमको मारेंगे और हम युद्ध लड़ेंगे, और युद्ध के लिए बुलाया कर 1740 में बिहार के नायब सूबेदार वही कह रहे हैं अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को घेरिया के युद्ध में हरा कर बंगाल का नया पद नवाब पद बन गया कौन, अलीवर्दी खान, मतलब मुर्शिदपुरी खान का वंशज खत्म, मुर्शिदपुरी खान का वंशज खत्म, मुर्शिदपुरी खान सुजाउद्दीन और सरफराज
सरफराज को मारा किसने? इस अलीवर्दी खान ने, अलीवर्दी खान ने मार के, और अलीवर्दी खान बंगाल का क्या बना? नवाब बना, और नवाब बनाकर 1746 जैसे ही नवाब बना बैठ के देख रहा था मुगल राजा वहां से, मुगल राजा कहां से, वहां से देख रहा था। और मुगल राजा उस समय में था मोहम्मद शाह रंगीला, दिल्ली में मुगल और बंगाल में अलीवर्दी खान इस सारा का सारा उलट फेर कर रहा है। सोचा किसी प्रकार से इसका विश्वास जीता जाए, अगर राजा बनना है तब सिंपल है, उसका वंशज खत्म करके ये बन गया तो जनता हंगामा हंगामा पड़ेगा ना। इसी वजह से इस अलीवर्दी खान बड़ी चालू था दिमाग से, इसने क्या किया 2 करोड़ की वो पोटली में बांधा और पोटली में बांध के बोला चाहते भेज दो मोहम्मद शाह रंगीला को, इसको अगर तो देगा ना तो वो मुंह बंद कर लेगा, समझ गया। तो मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपया सिर्फ नजराना के तौर पे भेजा कौन? ये अलीवर्दी खान। और जैसे ही देखा ना मोहम्मद शाह रंगीला भैया 2 करोड़ बैठले बैठले बोला जाओ बंगाल का नवाब नियुक्त कर देते हैं, किसको? तुमको नियुक्त कर देते हैं। और बंगाल का नवाब बना दिया किसको? पद की स्वीकृति, अरे वो हस्तक्षेप किया था ना, मार के हटाया था, पद की स्वीकृति दे दिया कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है सर, ये भी लिखे हैं पहले से है। अच्छा चलिए, तो 2 करोड़ रुपए का नजराना दिया, कितने करोड़ रुपए का नजराना दिया? 2 करोड़। किसको दिया? मुगल राजा को दिया, और मुगल राजा को अलीवर्दी खान ने दिया, और अलीवर्दी खान ने मुगल राजा से क्या प्राप्त कर लिया? स्वीकृति प्राप्त कर लिया कि हाँ भैया हम मुगल राजा मतलब बंगाल का नवाब बन गए, मतलब उसका मान्यता नहीं देते, बड़ा आदमी का हाथ रखा गया उसके हाथ पे, समझे चीजों को, बड़ा आदमी का हाथ रख दिया। तो बड़ा आदमी मोहम्मद शाह रंगीला, आगे देख लीजिए, जैसे ही अलीवर्दी खान बना, अलीवर्दी खान के समय में मराठाओं का क्या हो गया? आक्रमण प्रारंभ हो गया, और मराठाओं ने आक्रमण किया अलीवर्दी खान को, और उस समय में मराठा पेशवा कौन थे? रघुजी, मराठा बताए महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, समझे। और इसने क्या किया? मराठाओं के रघुजी ने पराजित कर दिया किसको? इस अलीवर्दी खान को, और अलीवर्दी खान को पराजित करके बोला भैया हमको उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा वाला प्रांत किसको दे दो? हमको दे दो। और उड़ीसा वाला प्रांत का ले लिया किसने? इस रघुजी ने, जो बंगाल में उड़ीसा वाला क्षेत्र था, उड़ीसा वाला क्षेत्र चले गया रघुजी के पास, और रघुजी ने उड़ीसा वाला क्षेत्र अपने अंदर में ले लिया, और अपने अंदर में लेके सारा का सारा उधर का टैक्स वसूलने लगा, और चौथ और सरदेश मुखी, चौथ और सरदेश मुखी नामक क्या लगाया? टैक्स लगाया। सुनिए, चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठाओं से क्या किया? संधि किया। आपको चौथ और सरदेश मुखी बताए थे क्या हुआ? सुनिए, अलीवर्दी खान जैसे ही बना, इसको मराठाओं का आक्रमण झेलना पड़ा, मराठा ने क्या किया इस पे आक्रमण कर दिया, और मराठाओं ने आक्रमण करके इसका जो उड़ीसा वाला क्षेत्र था वो हड़प लिया। और अलीवर्दी खान के बाद समझ गए, अलीवर्दी खान के बाद कहा जाता है, थोड़ा सा समझिएगा इसमें और चीजें हैं, अलीवर्दी खान सुनिएगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रगढ़ में किलेबंदी की अनुमति नहीं दी थी। अलीवर्दी खान के समय में अंग्रेज आए और फ्रांसीसी आए, बोला भैया हम जो है ना चंद्रनगर में क्या करना चाहते हैं? किलाबंदी करना चाहते हैं, मतलब बड़ा बड़ा किला बनाना चाहते हैं, ऐसा बात बोला किसने? इस अलीवर्दी खान को आया अंग्रेज बोलने, इसने मना कर दिया, बोला डायरेक्ट किलेबंदी नहीं करना, और एक स्टेटमेंट दिया इस अलीवर्दी खान ने, बोला कि अंग्रेज जो है मधुमक्खी के समान है, अगर ये मधुमक्खी के समान है, अगर इसको नहीं छेड़ोगे तो शहद देगा, अगर इसको छेड़ दिया तो काट काट के क्या करेगा? मार देगा, इसलिए बोला जाता इसके साथ छेड़छाड़ करना नहीं है, समझ गए। तो अलीवर्दी खान ने अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों का फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। उसके बाद अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खियों से क्या किया? तुलना किया, उपमा दी, कहा कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी, किंतु अगर उन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर क्या करेगी? मार डालेगी। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसका दोहित्र मतलब उसका नौती, इसका नौती क्या बना? राजा बना, और इसका नौती कौन था? सिराजुद्दौला। सुनिएगा चीजों को, सिराजुद्दौला का कहानी आगे कल बताएंगे, आज नहीं ऑलरेडी 6:15 हो चुका है, सुनिएगा चीजों को। अभी थोड़ा सा एक बात समझिएगा यहाँ, मुर्शिदपुरी खान, शुजाउद्दीन, सरफराज और अलीवर्दी, एक बात रफ में दिमाग हल्का करना है,
रब में बोले बंगाल को स्वतंत्र किया किसने मुर्शिदपुरी को जैसे ही स्वतंत्र किया तो अपना व्यवस्था बनाया है तो मुर्शिदपुरी खान को नियुक्त कौन किया था मुर्शिदपुरी खान को नियुक्त किया 1700 ईस्वी में औरंगजेब और औरंगजेब के पास वो राजा आया 1717 ईस्वी में फर्रुखसियत के समय में देखा कि फर्रुखसियत कमजोर है बोला हम अपने आप को स्वतंत्र करते हैं इसने क्या क्या मुर्शिदपुरी खान ने अपने आप को स्वतंत्र किया जैसे ही स्वतंत्र किया बोला भैया जल्दी से राजधानी बदलो उन्होंने क्या किया ढाका से अपना राजधानी कौन खींच रहा है मुर्शिदाबाद और राजधानी जैसे ही परिवर्तित किया चीजों को समझिएगा तो सोचा आपको राज्य का विकास चाहिए विकास कैसे चाहिए बैठे बैठे नहीं ना तो किसी भी प्रकार से टैक्स आना चाहिए अगर मेरे पास टैक्स आएगा तब जनता का क्या हुआ भलाई करेंगे तो टैक्स कैसे आएगा बोला सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा लागू करो जिसको बोला गया क्या इजारेदारी प्रथा तो जमीन को ठिका पे दे दिया बोला जितना जमीन है जमीन को सरकारी जमीन में बदल दो और सब जमीन से टैक्स वसूलो और बोला अगर जो किसान गरीब है जो खेती नहीं कर सकता उसको पैसा दो और पैसा करके उसको जबरदस्ती खेती करवाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा उपज कर सके और उपज करेगा तो हमको टैक्स बढ़ेगा एक और ऋण देने लगा और ऋण को क्या बोले थे तकाबी ऋण और सारी तकाबी मुर्शिदपुरी हमारा उसके बाद उसका बेटा दमा उसका दमा सुजाउद्दीन और सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज ही दोनों को याद नहीं रखना कोई मौका दिया नहीं है सुजाउद्दीन एक काम किया था बिहार में एगो अपना नवाब नियुक्त किया था बोले तो दीवान और दीवान का नाम था अलीवर्दी खां और यही क्या बना उसका साम्राज्य का अंत करने वाला बना अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बोला सरफराज तुम्हारे पापा हमको नियुक्त किए थे तुमने तुम्हारे अंदर हम शासन नहीं करेंगे चलो युद्ध करो जो जीता उसका बंगाल तो अलीवर्दी खां ने 1740 में घेड़िया या घेड़िया का युद्ध किया और इसमें क्या किया सरफराज को मार के समाप्त किया और अलीवर्दी खां बना जैसे ही अलीवर्दी खां बना अपना साम्राज्य सुदृढ़ किया और साम्राज्य चलाने लगा और साम्राज्य चलाते चलाते अलीवर्दी खान के समय में मराठा युवा आक्रमण कर दिया साइड से मराठा जैसे आक्रमण किया मराठा से पराजित हो गया कौन अलीवर्दी खान और अलीवर्दी खान पराजित हुआ तो बदले में क्या करना पड़ा संधि करना पड़ा और संधि जब करना पड़ा तो बदले में मराठा बोला हमको क्या चाहिए भैया उड़ीसा वाला क्षेत्र चाहिए और उस समय में स्वर्ण रेखा नदी था बोला स्वर्ण रेखा नदी के नीचे वाला जो भी क्षेत्र है सब क्षेत्र किसको दे दो हमको दे दो स्वर्ण रेखा नदी का मेंशन किए हम थोड़ा सा जब घाट पर आ रहे थे निकल गया रघुजी बात खत्म इसके समय में एक अंग्रेज आया बोला हम क्या करना चाहते हैं किलेबंदी तो ये अलीवर्दी खां अंग्रेजों के नीति से पहले से वाकिफ था अगर इसको ज्यादा छेड़ेंगे ज्यादा इसको अधिकार देंगे तो काटेगा हमी को इसने बोला भैया मेरे यहाँ किलाबंदी ज्यादा होशियारी नहीं किलाबंदी कुछ ना व्यापार करना है तो करो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है इसी वजह से स्टेटमेंट दिया बोला कि ये मधुमक्खी के समान है अगर नहीं छेड़ोगे साथ देगा छेड़ दिया तो काटेगा अलीवर्दी खान स्टेटमेंट अलीवर्दी खान को तीन गो बेटी थी बेटा नहीं था इसको तीन गो बेटी थी और तीन बेटी में बेटा एक भी लेता इसी का एक छोटी बेटी का प्रसादी हुआ था पटना में बड़की बेटी का पूर्णिया में एक होगा ढाका में तीन बेटी थी इसकी और तीनों बेटी का शादी एक होगा ढाका के नवाब के साथ एक पूर्णिया के नवाब यही पूर्णिया और एक अपना पटना वाले नवाब के साथ तो पटना वाला नवाब की छोटी बेटी जो थी वो ज्यादा प्रिय थी उसी का जो बेटा था वो बेटा एनी टाइम रहता था किसके पास अलीवर्दी खां के पास ही तो ज्यादा प्यारा था अलीवर्दी खां से कौन सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला को ज्यादा मानता था और योग्य भी था देखता था योग्यता भी है तो जैसे ही अलीवर्दी खां मरा तो अपने नाती को बना दिया तो क्या लगता है तीनों बहन नहीं लड़ेगा तीनों बहन लड़ता है चाहता है कि मेरे को नहीं चाहेगा जब पप्पा गए सरदार बांट के बराबर न जाएंगे कि एक नाती को ज्यादा देख लिए समस्या होता है ना तो समस्या का समाधान कब होगा थोड़ा सा